मैं बिल्कुल टाइम से है कि नहीं? यस। सो स्वरूप, आस्था, अर्पिता, अंकिता, मनोज, आ जाओ सारे लोग। ओके, स्नेहा, अंकित, उमा, सयन, श्रीशा, कृष्णा, प्रिया, अभी, अभिषेक, गौरी, हेलो एवरीवन, मयंक, आ जाए सारे लोग। लेट एवरीवन ज्वाइन, अभी तो स्टार्ट हुआ है। कल एक होमवर्क दिया था, प्रेजेंट। यस, मजा आएगा। कल होमवर्क दिया तो होमवर्क किया? कितने लोगों ने होमवर्क किया? गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग स्नेहा, स्वरूप, गुड इवनिंग, हाय प्रगति, वेलकम टू द क्लास। गौरव सिंह, हेलो, वेलकम, वेलकम टू द क्लास, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो आज है पार्ट 4। हेलो संदीप, वेलकम टू द क्लास। आई डिडेंट नो क्या अभी कि पार्ट 4 है आज। अच्छा, होमवर्क का। अरे चलो कोई टेंशन नहीं, अभी साथ में सॉल्व करेंगे तो हो ही जाएगा। उस वो पूछने के लिए पूछा, होमवर्क कितने लोगों ने किया? होमवर्क यस्टरडे पैसेज दिया था, ये वाला, ये पीडीएफ कौन सा चल रहा है? ये वाला पीडीएफ, ये कैप्सूल कोर्स ऑफ वीआरसी वाला, जिसपे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का हेडिंग था। हाय श्रेया, वेलकम, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। हेलो नूर, वेलकम टू द क्लास। इनफैक्ट आई शुड नाउ से टू ऑल ऑफ यू मोस्टली वेलकम बैक, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लाइक कि जाने पहचाने लोगों में रोज ही मिल रहे हैं। दीक्षा, हेलो, जैनब, प्रदीप, ब्रजेश, गिरिधर, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रकाश, हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। मयंक, मानसी, जितेश, अद्वित, गुड इवनिंग। बस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाए कमेंट बोर्ड। विकास, अंकृत, नितेश, अदिति, सुंदर, आरजी, देखा आज मैं टाइम से, वरना एल्स क्या होता है, मैं लेट से स्टार्ट करती हूँ एंड देन जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। प्रतीक, पूजा, गणेश, सुनील, रेनॉय, वेलकम एवरीवन। अर्पित, सुखजीत, मनु, आशु, बस रुकेंगे थोड़ा। मैं कैसी हूँ? नितेश, मस्त, ऑसम। आप कैसे हो? राजीव, शौविक, वेलकम एवरीवन, वेलकम। आप भी मस्त? ये गौरी, हेलो, वेलकम, हेलो रनॉय, ए एस, हेलो ए एस, हाय, हाय सुंदर, हेलो महेश, वेलकम, धीरज, हेलो, हेलो, हाय, हेलो। देखो ग्रीटिंग का काम भी ना अच्छे से करना होता है। जब सब लोग आए हैं सबको वेलकम करना ड्यूटी है मेरी, नॉट जस्ट ड्यूटी, यू नो, लाइक अच्छा रहता है, अच्छी बात है। हेलो सूरज, वेलकम टू द क्लास। तब तक होमवर्क का पैसे चो कर दीजिए। अरे लो होमवर्क, अरे ये कहाँ पहुंच गए, तो फर्स्ट में ही पहुंच गए। देखो आज का टॉपिक क्या है ना, चाहे होमवर्क में किया हो तो भी फाइन है, नहीं भी किया हो तो अभी करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ यू माई आईपी, माई प्रिपरेशन इज गोइंग गुड एंड आई ट्राइड सम पैसेज पास्ट ईयर, मेजोरिटी कम्स आउट टू बी राइट। अरे मयंक यार, शाबाश शाबाश। देखो आज और कल में ना क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अभी जो कह रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर राइट, यानी कि कुछ रॉन्ग हो रहे हैं शायद, वो भी रॉन्ग होना बंद हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट की क्वेश्चन रॉन्ग होना बंद हो जाए। हेलो, हाय नम्रता, हेलो समीर, हेलो आदर्श, करे स्टार्ट। गौरव, गौरव इज द सुपर स्टार ऑफ टुडेज क्लास। आज गौरव ने मुझे रेड हैट डेडिकेट किया, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज वेटिंग फॉर यू गौरव कि कब आओगे लाइव, एंड आपको बोल रहा है थैंक यू, शाउट आउट टू गौरव, थैंक यू। ओके, देवाशीष, उबैदुल्ला, अनंता, प्रथा, हेलो, वेलकम, आशुतोष, आज मैं भी 2 पैसेज ट्राई की घर लास्ट ईयर वाले, 4 आंसर्स राइट थे। अरे यार, नाउ आई एम फीलिंग द कॉन्फिडेंस कि यार अब लग रहा है कि हाँ पढ़ाने का फन मिल रहा है। हेलो आर्यमान, वेलकम। अरे गौरव, ऐसा इट्स अ म्यूचुअल वन, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट। मेरा क्या है, मेरा को तो बस जो मुझे पता है वो, आई एम जस्ट लाइक ये है, ऐसा होता है। अब आप लोगों को चलना है, आई विल शो यू द गाइडेंस, वॉक तो रास्ते में आप ही को करना है। स्वाति, पीयूष, यश, वेलकम वेलकम, हे गुड आफ्टरनून सारे लोग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बहुत देर से हाय हेलो गुड आफ्टरनून हो गया। मोटिवेशन काम कर गई? अरे वाह, पैट ऑन माय बैक, शाबाश। केविन, विक्रांत, वेलकम, आपके भी आरसी इंप्रूव हो रहे, मतलब अभी मैंने आपको सिर्फ 1/3 पढ़ाया है, एंड आई एम लाइक OMG, शाबाश शाबाश, ये अच्छी बात है कि चेंज दिख रहा है। हेलो आरुष, बेसिक्स में कैसे, सबकी वाट लगाने, ओहो शाबाश। गुलाम, पल्लवी, वेलकम टू द क्लास। भाई देखो कल एक होमवर्क दिया था, ठीक, अब पढ़ाई पे आते हैं। क्लास के एंड में व्हाट्सएप लिंक,
अरे व्हाट्सएप लिंक शेयर करना अलाउड नहीं है, कोई और कर देगा तो आप आ जाना क्लास में, वरना टेलीग्राम का लिंक तो है ही है। यश मिहिर वेलकम टू द क्लास। क्या 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 खाली बैठा था? अरे सही किया मजे आएंगे। आजकल हम लोग मजे ज्यादा करते हैं, आजकल पढ़ाई कम होती है लेकिन मजे के साथ साथ पढ़ाई हो जाती है। बाकी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, दूसरे लोग कह रहे हैं। मेरी आरसी, एक मिनट स्वाति, मेरी आरसी में बहुत कंफ्यूजन होता है जितना डीप रीड करती हूँ। ओके, तो डीप रीड क्यों करते हो, शैलो रीडिंग करो, आपको तो व्हाट एंड व्हाई जानना है पैसेज का। चलो उस पर भी बात करते हैं। साक्षी अक्सोमी वेलकम वेलकम, अक्सोमी जीनियस, शाबाश। टेलीग्राम लिंक कंप्लीट नहीं शो हो रहा। एक्चुअली यहाँ मैंने टेलीग्राम लिंक नहीं डाला, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है। ये वन पेज है, ये व्हाट्सएप बोलू सॉरी, ये यूट्यूब का लिंक है, आज यूट्यूब की क्लास है, यही अलाउड है मेरे को प्रोमोट करना। हेलो शुभम, तो ये इसको मैं, इसको अगर मैं पिन करके, दिस इज जस्ट, ठीक है, अनकेडमी बोलते हैं ये सब शेयर करते। देखो ये एक लिंक कमेंट में प्रकाश ने शेयर की है, ठीक है, आप वहां से मेरे ग्रुप में आ सकते हो, दैट इज अलाउड, क्योंकि मेरे को अलाउड टोटल बैन है, मेरे को क्या सारे एजुकेटर्स को बैन है व्हाट्सएप ग्रुप कुछ नहीं शेयर करना। सो अब लाइक कि आई कांट शेयर। प्रकाश गुड, थैंक यू वंस अगेन। हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यश दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ द बेसिक्स, आप इसके पहले जो 3 क्लासेस है प्लीज देखना, अभी नहीं टाइम निकाल के। एंड इस क्लास में जैसा जैसा चल रहा है आप फॉलो करो, बेसिक्स चल रहा है, ए से जेड तक कवर करवाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ये प्रॉमिस है। चलो बहुत बातें हो गई। आयरन हाइट, तंजिला, आशुतोष वेलकम, सब लोग टाइम पे हैं, अभी कोई लेट नहीं है, ठीक। जय श्री, वेलकम टू द क्लास, लेट्स गेट स्टार्टेड, बहुत हो गया बातें। सो नाउ वी हैव टू रीड 1 पेज 2 पेज, ठीक, एंड हियर वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस। जय श्री, मानवी, गणेश वेलकम। अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज, सॉरी गार्गी गार्गी, सॉरी सॉरी, वेलकम टू द क्लास। एक्चुअली वो आपके नाम के ऊपर इमोजी आ रहा था ना, एंड सिमिलर डीपी के एक स्टूडेंट आते हैं उनका नाम गणेश है, मेरे को लगा वही होंगे। गार्गी वेलकम टू द क्लास। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो आपको डेफिनेशन, टेररिज्म के डेफिनेशन की क्लैरिटी नहीं है इस पैसेज में, ऑथर के हिसाब से ऐसा क्यों, वही ढूंढना है। तो नाउ लेट वी विल बी रीडिंग द पैसेज एंड फाइंडिंग दिस आंसर। ऑथर सेंट्रिक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं ऑथर सेंट्रिक, लेकिन कल मैंने कुछ डिटेल जरूर बताई थी, वही लॉजिक काम लगाना है। विख्यात वेलकम टू द क्लास। Which of the following does the passage seem to suggest would be the best way to solve the problem to find the definition of terrorism? देख के लग रहा है पैसेज में डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को लेके खूब ज्यादा माथापच्ची हो रही है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, क्योंकि ये हमें ऊपर में मिला, क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन को लेके कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी करना है, पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, अजीब सी चीजें हैं, देखनी पड़ेगी, स्टोरी कुछ तो बता रहा है। वेलकम राजा, वेलकम टू द क्लास। ओके वेलकम अंकिता, शशुदीप वेलकम वेलकम वेलकम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सीम्स टू बी द सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया पूछा, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिडेटेड, एटलीस्ट ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल आइडिया बोले तो मेन आइडिया, ये भी एक तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो दिस वे वी हैव टू सी कि ये 4 क्वेश्चन क्या है। अब पढ़ते जरा पैसेज। एंड फेटरग्रेट, रितेश, शुभांगी, जतिन, संदीप वेलकम टू द क्लास। आई नीड सम सजेशन, सो हाउ एंड वेयर आई कैन miss you, you want to mess with me, Pratha, yeah, ajao, okay, you want to talk to me, Pratha, use the Unacademy app, I will be there, okay, and iske alawa, comment, nahin, main samajh gayi, wo typo hai, kuch nahi, hai na, baki Pratha, ek group ka link diya hua hai, comments mein thoda upar dekhna, Prakash ne ek link share kiya hai, dekho, niche haan likh rahe, theek hai, upar ek link share kiya hai, Prakash ne, okay, That can lead you to my WhatsApp group. You can talk to me there. हो गई कॉमेडी? क्वेश्चन? यप, शुभांग के आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन देखना है। इन शॉर्ट मैसेज, आई अंडरस्टैंड प्रथा, आई अंडरस्टैंड। अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। अभी आपने पहले ही डिस्कस कर दिया ना, तो आई विल वेट फॉर योर मैसेज ऑल्सो। वरना कभी कभी क्या होता है, मैसेज खोलती नहीं हूं मैं, वो दैट इज रॉन्ग, वो मेरे एक बैड हैबिट है। Yes, I will reply. Yes. Okay. पढ़ लिया? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। हेलो श्यामली वेलकम, कुछ नहीं मिस हुआ है, इसके बाद आते तो मिस हो जाता। रीड करना स्टार्ट करिए, क्या चल रहा है। प्रतीक
रीड द पैसेज प्लीज. बिल्कुल टाइम से हो, कुछ नहीं मिस हुआ. इसके बाद आते तो मिस हो जाता. प्रांजल आ गए, बोर हो रहे थे इसीलिए आ गए. चलो 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 पैसेज पढ़ो जल्दी से. आई थिंक ये वाला मैंने आप लोगों को प्लस में नहीं पढ़ाया है शायद, क्योंकि मेरे को याद नहीं कि मैंने ये वाला प्लस में पढ़ाया है. स्टिल रीडिंग आयरन हाइट, पढ़ो पढ़ो सारे लोग पढ़ो. मैं भी शांत होकर मैं भी पढ़ रही हूँ. ठीक, क्या बोलना चाहता है ये पैसेज, क्या है इसका. पैसेज का लेवल कल के लेवल से ज्यादा. अरे लेट हो गया? नहीं कोई लेट नहीं हुए, पहला ही पैसेज है, पहला ही पेज है. पढ़ो पढ़ो. खतरनाक होगा पैसेज, आर मेड टू बी खतरनाक, होता ही है डराने के लिए. अच्छा स्वाति वैसा किया, वैसा करे मैं भी रीड करूं सो दैट आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट ये नहीं. या सब लोगों को एक काम करते हैं, क्योंकि अभी इसमें दो टाइप से होगा. यस ओके ओके ओके. तो नो वाले कोई हैं क्या? मैं भी रीड अभी से अभी रीड करूं या आप लोग पहले रीड करो? अगर मैं अभी रीड करना स्टार्ट कर दूं सबके साथ तो यस, वरना नो, क्योंकि ये भी आप लोगों पे डिपेंड करेगा. हेलो गुरु, वेलकम टू द क्लास. देखो इसमें डेमोक्रेसी इंडिया वाली नहीं लग पाएगी. इसमें जो डेमोक्रेसी है डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग चलेगी. 67% कह रहा है कि हाँ रीड करना है. चलो करते रीड, लेते हैं वीआरसी के मजे. मेरे नहीं, वीआरसी के मजे तो मैं आप लोगों के लेती हूँ. मेरा न्यू डायलॉग. हेलो अनुभव, हेलो योगेश, बिल्कुल टाइम से आए हो. इसके बाद आते तो लेट हो जाते. चलो साथ में पढ़ते. बोथ पॉलिटिकल एकेडमिक एफर्ट्स टू गेट द ग्रिप्स विद टेररिज्म हैव रिपीटेडली बीन हंग्ड अपॉन द इश्यू ऑफ डेफिनेशन. शांति. पॉलिटिकल एकेडमिक एफर्ट लग रहा है किस चीज के लिए? एंड वो टेररिज्म से रिलेटेड किसी बात पे पॉलिटिकल और एकेडमिक बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं. एंड ये इश्यू हंग अप है, मतलब काइंड ऑफ मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लटका हुआ है. द इशू ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन की इशू है जिस इशू का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा. हेलो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, वेलकम टू द क्लास. प्रत्योष वेलकम. हाँ मेरी बस एक ही इकलौती क्लास है, बाकी ऊपर देखो मैंने यूट्यूब का लिंक पिनअप किया हुआ है, वहां क्विज होगा, वहां बड़े मजे करेंगे. ठीक है वो अलग, वहां भी मिलेंगे. हेलो आनंद वेलकम. तो पॉलिटिकल एकेडमिक एफर्ट्स लग रहे हैं बहुत सारा, क्यों? क्योंकि इश्यू ऑफ डेफिनेशन का चक्कर है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग टेररिज्म फ्रॉम क्रिमिनल वायलेंस और मिलिट्री एक्शन. यानी कि क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही लोगों को किसकी, टेररिज्म की. कैसे पता चला? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि टेररिज्म और क्रिमिनल वायलेंस और मिलिट्री एक्शन, मतलब क्रिमिनल वायलेंस मिलिट्री एक्शन के कंपेरिजन में टेररिज्म अलग कैसे है. इमेजिन करो क्रिमिनल लोग वायलेंस कर रहे हैं, इमेजिन करो मिलिट्री एक्शन लेके कुछ कर रही है, पता चला कहीं पे एक्शन ले लिया लाइक सब मार पा दिया, आई डोंट नो राइट. सो समझ में लोगों को ये नहीं आ रहा कि हमें कैसे पता चले कि क्रिमिनल वायलेंस मिलिट्री एक्शन क्या होती है और टेररिज्म क्या होती है. लोगों को इसी का डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा. इसमें बड़े सारे पॉलिटिकल एंगल्स एंड एकेडमिक एंगल है. गाइस लिसन, हमेशा स्टार्टिंग थोड़ा ध्यान से पढ़ना. अगर स्टार्टिंग ध्यान से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे तो आगे का बिल्कुल स्किप कर दो, फास्ट पढ़ लो, फालतू इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दो, लेकिन स्टार्टिंग इग्नोर नहीं की जाती. मेन बातें तो यही लिखी हुई है. शाजमान, अमन, नीरज वेलकम वेलकम. ठीक है आगे देखते. मोस्ट राइटर्स हैव नो ट्रबल कंपाइलिंग अ लिस्ट ऑफ लीगल और अदर डेफिनेशंस रनिंग इनटू डजंस. बड़े सारे राइटर्स हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो लीगल डेफिनेशन एंड ये सारे डेफिनेशन, दर्जनों डेफिनेशन कंपाइल कर देता है. ओके मजे लो इसके, देन एडिंग देयर ओन और अपना खुद का भी डाल देते. राइटर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी डेफिनेशन कंपाइल कर देता है. लेकिन पॉलिटिकली एकेडमिकली फर्स्ट लाइन में बता दिया डेफिनेशन में कंफ्यूजन है तो है. ओके अच्छा, इफ देयर इज एनीवन इन द क्लास ना हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ आई एम यूजिंग प्योर हिंदी, प्लीज बता देना. प्लीज डू लेट मी नो, आई विल नॉट यूज हिंदी एनीमोर. ठीक है. प्रदीप सिंह हेलो वेलकम. वन वेल नोन सर्वे, अरे सर्वे दे आर गोइंग टू रिपीट व्हाट दे हैव जस्ट सेड. ओके ओपन्स अप अ होल चैप्टर ऑन द इशू, इग्नोर इग्नोर. अनदर मैनेज टू अमास ओवर 100 डेफिनेशंस, इग्नोर इग्नोर, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑथर हैज टोल्ड अस एंड दिस इज समथिंग ऑथर इज गिविंग एन एग्जांपल. इग्नोर इग्नोर, ऊपर ऊपर से पढ़ो और इग्नोर मारो, क्योंकि एक सर्वे ने ये बड़े सारे चैप्टर्स ओके ये वही बोल रहा है जो ये वाली लाइन बोल रही है. सो इट्स लाइक सपोर्टिंग दैट. ओके ओके फिर 100 डेफिनेशन बिफोर कंक्लूडिंग दैट सर्च फॉर एन एडिक्वेट डेफिनेशन वॉज स्टिल ऑन. सर्च अभी भी डेफिनेशन की चल रही है, डेफिनेशन मिला नहीं. वाई द डिफिकल्टी, यहाँ से काम का,
कि ये डिफिकल्टी क्यों है. इन अ वर्ड इट इज लेबलिंग, इट इज लेबलिंग बिकॉज टेररिस्ट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट ऑलमोस्ट नेवर बीन वॉलंटरली अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप. शायद ये काम का. सो अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें, राइट, इफ वी स्टॉप हेयर, तो प्रॉब्लम क्या चल रही है ग्रुप में, क्या हो रहा है? कमेंट्स थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं. अंशु, आशु, ओके, स्लो चलते. स्टार्ट हो गया नीरज? यस, अभी भी स्टार्ट हुआ है, कुछ छूटा नहीं है. ठीक है, यस यस, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ. हाय वर्षा, वेलकम. लिख कर कैसे करें? लिख कर मतलब स्वाति, कि आपको इसका अगर नोट्स बनाना है तो आप कैसे लिखोगे, अभी बता रही हूँ. आप पहले बिग पिक्चर समझो, आपको जरूरी नहीं है कि सारा लिखना है. ठीक है, आप बिग पिक्चर समझो. चलो आई विल बी अ लिटिल बिट स्लो फॉर नाउ. अच्छा, जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं तो वेल लिखती कम हूँ. लिखती तब हूँ जब मेरे को लगता है कि ये मेरे को याद नहीं रहने वाला. अभी मैं बताती हूँ कि इफ आई हैव टू राइट हाउ विल आई राइट. ओके, ऑल द एस्पिरेंट्स एवरीवन वेलकम. राहुल कोथेका, वेलकम टू द क्लास. सो अभी मेरे को क्या पता चला, मेरे को सिर्फ एक ही बात पता चली. इनफैक्ट आई गॉट टू नो टू थिंग्स. आई गॉट टू नो कि देर इज अ कन्फ्यूजन इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. कन्फ्यूजन, अगर आपको ये लिखना है आप लिख लो, मेरे को लिखने का मूड नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया कन्फ्यूजन. चलो आपके लिए लिख देते हैं. कन्फ्यूजन इन क्या? कन्फ्यूजन इन डेफिनेशन ऑफ किसका? ऑफ टेररिज्म. बेसिकली वाई, वाई कन्फ्यूजन? क्योंकि इधर मेरे को आंसर मिला लेबलिंग का चक्कर है. अब मेरे को, मेरे माइंड में अगला क्वेश्चन आएगा, लेबलिंग का क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि उनको टेररिस्ट कैसे लेबल करें. हाउ डू आई लेबल देम अ टेररिस्ट? ठीक है, क्यों? क्योंकि टेररिस्ट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट हैज ऑलमोस्ट नेवर बीन वॉलंटरीली अडॉप्टेड बाय एनी इंडिविजुअल और ग्रुप. लेबलिंग का क्यों चक्कर है? क्योंकि कोई खुद को टेररिस्ट बोलेगा क्या वॉलंटरीली? मान लो कि मैं टेररिस्ट, तो क्या मैं आपको आके बोलूंगी कि मैं टेररिस्ट? नहीं बोलूंगी ना. सो टेररिस्ट इज समथिंग कि नो वन इज गोइंग टू कम एंड टेल यू आई एम अ टेररिस्ट. वॉलंटरीली कोई आके बोलेगा नहीं. इट इज अप्लाइड टू देम बाय अदर्स. तो लेबल कौन करता है? लेबल दूसरा लगाता है. लेबल, अगर मैं टेररिस्ट हूं तो मैं नहीं बोलूंगी मैं टेररिस्ट हूं, आप बोलोगे कि ये टेररिस्ट है. सो लेबल दूसरा इंसान लगाता है किसी पे. ठीक है, अभी माइंड ऐसा चल रहा है मेरा कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला. यहां तक ऑथर ने बोला तो अब क्या बोलना चाहता है ऑथर, ये सोचो. पूरा पढ़ो, फिर हम लोग देखेंगे कि नोट्स क्या बनानी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स दे अटैक. ठीक, स्टेट्स हैव नॉट बीन स्लो टू ब्रांड वायलेंट ऑपोजिशन. देखो ज्यादा स्लो पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को ध्यान से नहीं पढ़ना होता है. वी जस्ट नीड द बिग पिक्चर. जल्दी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें बस वॉट एंड वाई चाहिए. प्रैक्टिस होगी इसकी, टेंशन नहीं लो, कोई भी लो टेंशन नहीं लो, बिल्कुल बेसिक से चल रहे. तो हमें क्या पता चला? टेररिस्ट वॉलंटरीली अडॉप्ट नहीं होती, उसको दूसरा इंसान किसी पे अडॉप्ट करता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट दे अटैक. तो कौन लेबल करेगा कि कोई टेररिस्ट है? मान लो कि ये मार्कर टेररिस्ट है. कौन इस मार्कर को टेररिस्ट बोलेगा? गवर्नमेंट बोलेगी. इस मार्कर ने जिस स्टेट पे अटैक किया उस स्टेट की गवर्नमेंट इसको टेररिस्ट लेबल करेगी. बिल्कुल सही. अब इसके नोट्स बनाने तो बनाओ, लेकिन मैं कहूंगी पहले पैराग्राफ पढ़ लो फिर बनाना नोट्स ब्रॉड लेवल वाला. States have not been slow to brand violent oppositions with this title. State लोग बोले कि government लोग slow नहीं है इस बात पे, यानी कि government लोग बड़े fast है किसी भी violent opponent को terrorist बोल देने के लिए. यानी कि कोई भी violent हो गया, किसी ने भी oppose कर दिया थोड़ा सा, तो government या country उसको terrorist label कर देती है. author बोल रहा है. कैसे पता ऑथर बोल रहे हैं? ऑथर ने पैसे लिखी पहली बात, एंड दूसरी बात ये किसी सोर्स के थ्रू कोटेड नहीं है, इसीलिए ये ऑथर का ओपिनियन है. अब कंटिन्यू करते. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर वेलकम. कैन यू यूज इंग्लिश? ओके जयश्री, ओके ओके ओके, नाउ आई एम यूजिंग इंग्लिश ओनली. चलो फाइन. सो आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि द मेन थिंग इज कि फॉर नाउ लेबलिंग टेररिस्ट इज अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट टू दोज who have done any kind of violence only. So anyone who is doing violence is getting labeled as a terrorist by the government. This is now, up to now, we can know. With this title, with its clear implication of inhumanity, criminality, perhaps most crucial, lack of real political support. So violent opponents, they don't have any political support, they are getting labeled as terrorists. Nothing new, nothing new. Let's continue.
Equally, states find it quite easy to pronounce definition of terrorism. Now, author is saying that the state means governments, they are finding it easy to label anyone as terrorist. So for them, giving the definition of terrorism is easy. Let us stop here and ask once again to ourselves. Let us talk to ourselves. Khud se baat karo. Why the author is saying this? Just now the author said in the starting ki there is no clear definition of terrorism. Author said. Now author is saying, but still it is easy for governments to give the definition of terrorism. Let us question why the author is saying this. Why author apni baaton ka ulta bol raha hai? ऊपर तो डिफिकल्ट हो रहा था. यस, ऊपर डिफिकल्ट हो रहा था, सही बात है. अब इजी क्यों? देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स रीड ऑन. द यूएसए फॉर एग्जांपल, अरे एग्जांपल, हु केयर्स ऑफ द एग्जांपल, जस्ट दे शुड हैव टोल्ड अस सीधा सीधा है. द यूएसए फॉर एग्जांपल डिफाइंस इट एज द ब्ला 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 ब्ला. यू रीड, आई एम नॉट इन द मूड टू रीड. दीज आर डेटा डिटेल्स, इग्नोर डेटा डिटेल्स. दिस इज जस्ट द डेफिनेशन दैट यूएसए इज गिविंग बिकॉज इट इज इजी फॉर स्टेट टू गिव डेफिनेशन. सो दे आर author is now showing us source. Ki see, USA is saying this is the definition of terrorism. Ignore. UK says this. Ignore. Having done this, though they tend to find it harder to specify behavior, thus indicted. Instead, they label certain organization as terrorist. Are we know this. Tell us something new. We know this. We know this. Written here. We know this. And make members of them as offense. So terrorism appears to be a state of mind rather than an activity. Now stop here. Terrorism appears to be, who says this? Author. Author's judgment, author's opinion, ki terrorism is just a state of mind, there is no activity. Now let us make notes, let us revise what the first paragraph was saying. Yes, one question that what author, okay, wait. All those students just joining, welcome to the class, and I will just make you understand everything from the start, don't worry. That the author will convey in the next paragraph, after paragraph, what can be the answer to this question? Yes, Namira, possible. Actually, we have not read the next paragraph, but this is the possibility the author will convey this. Its explanation will be conveyed in the next paragraph. Meko isme confusion hota hai, how to ignore. Swati, practice karo, class mein roj aao, observe karo, observation karo abhi aap. So, how do I know, ki how to should we ignore this? How do I know? Because just what was said to us here, hai na, ki it is easy to find definition of terrorism. Who is giving definition of terrorism? Governments. Now here they have started giving examples. Ki the USA defines. I just saw these four words. Ki USA defines. I know ki now they are going to prove what the author said here by an example. Now I just understood this is an example. So I will just wait where it is ending. I saw here it is ending. So I just skipped it. Fir here, I just saw the word UK. It got clicked. Yeah, once again, another example. So I just skipped it. Then I was seeing this, and like quick reading, and I just know okay, this is just a repeat. So what is exactly the first paragraph saying? What is the main idea? Kisi ko samajh mein nahi aaya, if anyone is not understanding, fir se puchna. Theek hai? It is really worth to make notes for RC while solving. No, not necessary. You can record some details for yourself if you think you need to. But if you think there is no need to write down anything, because if you have understood it all, if you remember that in first paragraph this was told to me, in next paragraph that was told, then no need to record it, no need to write. But if you think ki nahi, I will forget it because this one is a little bit tricky for me, then make notes. Can't understand, Varsha. Summary. Chalo, let's make notes of the first paragraph. What is the first paragraph saying? Right? Can I erase all the ink? I will. So, what's this first paragraph saying? First paragraph is only saying one thing. No clarity in the definition of terrorism because governments are not clear of the difference between real terrorist and criminal violence. Government can label any opposition of violent opposition as criminal violence, as terrorism. So this is a big challenge ki if government is labeling any opposition as terrorism, so there is actually no real definition of terrorism. This is what the first paragraph is saying. That's it. Rest everything is just example.
Now read the next paragraph, then we will find if there is anything new. If there is anything new to this idea, yeah, cool. If there is nothing new, okay, no problem. We only need to find what and why. Rest, just trust the process. You will be able to understand everything. Were you in? Were you in? Kya, kya, kya? Kya hua? Definition pata nahi hai, ye author. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. चलो कुछ कमेंट्स मिस किए मैंने. ऐसा काम कहे क्या कैट में देयर विल बी स्पेस फॉर मेकिंग नोट्स. नहीं अभी नो देयर वोंट बी. यू विल ओनली गेट द वाइट शीट ओनली हेयर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग द मार्कर. डेफिनेशन पता नहीं है बोल रहा ऑथर. अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है. यस 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 अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग कंट्रीज की. बिल्कुल जो कि हमारे काम का नहीं है. यप एग्जैक्टली. चलो फर्दर. Questions are most what? Chalo. The problem here for the detached observer. Who is this detached observer? Maybe the author. I don't know. Because here the author is observing everything. Well, problem here is whosoever, whose problem it is. Let us see the problem. Ki that state definition simply assume that the use of violence by subnational groups is automatically illegal. Achha. पहले पढ़ लो उसके बाद वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट वांट टू से. बिग पिक्चर वी विल सी. इन द स्टेट्स वी ओनली द स्टेट हैज द राइट टू यूज फोर्स. उत्तरी इट हैज अ एकेडमिक स्टैंड टू से अ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस. वाह इग्नोर. बट आउटसाइडर में वंडर वेदर ऑल द यूज ऑफ वायलेंस बाय नॉन स्टेट एक्शन इज इक्वली जस्ट अनजस्टिफाइबल इवन इफ इट इज फॉर्मल इलीगल. उत्तरी रुक जाओ स्टोरी सुनो पहले. इग्नोर क्यों किया अभी बता रही हूँ. इग्नोर इसलिए किया देखो चलो अभी बता रही हूँ. स्वाति देखो इधर क्या बोला. प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम यह है कि स्टेट लोग कंट्री लोग दे आर यूजिंग वायलेंस राइट एंड दे आर लेबलिंग द एक्टिविटी ऑफ सब नेशनल ग्रुप एज इलीगल. सो दे आर ऑटोमेटिकली ट्रीटिंग सब नेशनल ग्रुप एक्टिविटीज एज इलीगल एंड नाउ टू से दिस इज द ओपिनियन ऑफ द स्टेट. एज पर द ऑथर ऑथर के हिसाब से स्टेट को गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ओनली स्टेट हैज द राइट टू यूज फोर्स. गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ओनली स्टेट है जिसको फोर्स यूज करने का अधिकार है. बात खत्म. हमें समझ में आ गया मैसेज. लेकिन नाउ दे आर गिविंग एन हाइफन. हाइफन देने के बाद वो उसी बात को रिपीट कर रहा है एक अलग तरीके से. देखो बातें रिपीट हो रही है. इट हैज एज एकेडमिक स्टैंड टू से अ मोनो. अब ये सबूत दे रहा है ये कह के कि मैंने नहीं बोला ये बात. ये एकेडमिक्स बोलते हैं. सबूत देके अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है. अ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस. आप लोग अपने अपने लोग मिल रहे हैं. शाबाश शाबाश. ओके सो सी व्हेन वन पर्टिकुलर आइडिया इज गेटिंग एग्जैगरेटेड और गेटिंग इट्स प्रूफ. देखो क्या होता है कि ऑथर कुछ एक बोलता है फिर अपनी बात को साबित करने के लिए एक सोर्स प्रोवाइड करता है. ऑथर इज सेइंग समथिंग एंड टू प्रूव दैट ऑथर इज प्रोवाइडिंग अ सोर्स. सो इफ वी नो कि दिस इज अ सोर्स इट मींस दिस इज अ इंफॉर्मेशन दैट इज गेटिंग रिपीटेड. इन द बेसिक्स ऑफ आरसी क्लास पार्ट वन और पार्ट टू क्लास आई टोल्ड ऑल ऑफ यू कि सम ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइक इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम सोर्स इंफॉर्मेशन दैट इज गेटिंग रिपीटेड इंफॉर्मेशन दैट इज एन एग्जाम्पल supporting details unnecessary wala or unnecessary data details has to be ignored because that only waste our time. So when we know what to read and what to ignore we will be like in a better way to understand the passage and gradually after some time it will help us in building speed reading skills. Okay Ridhima aapka question abhi lete hain. Let us just finish this paragraph at least else it will turn out of the mind of everyone ki ye tha kya. ऑथर के हिसाब से एज पर द ऑथर गवर्नमेंट लेबल्स एवरी नेशनल ग्रुप सब नेशनल ग्रुप एक्टिविटी एज वायलेंस. सो गवर्नमेंट इज लेबलिंग देम एज टेररिस्ट दैट इज रॉन्ग. बट आउटसाइडर्स में वंडर कि दिस इज नॉट इक्वली जस्टिफाइड. आई मीन दिस इज अनजस्टिस. आउटसाइडर विल से दिस इज नॉट डन. फर्स्ट द वेरी फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट इन द मॉडर्न एज बिलीव देमसेल्फ जस्टिफाइंग अपोजिंग विद वायलेंस अ रिप्रेसिव रिजाइम इन विच नो फ्रीडम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज परमिटेड एंड क्रूशली मेनी फॉरन सिटीज ऑफ ज़ारिस्ट रशिया गवर्नमेंट इंक्लूडेड. वंस अगेन इग्नोर द एग्जाम्पल वंस अगेन. हेलो माला वेलकम.
टुडे आई एम नॉट एबल टू एक्नॉलेज एवरीवन हु इज जॉइनिंग द क्लास, प्लीज डोंट माइंड, प्लीज बी विद द क्लास. ठीक ऋषिका वेलकम. रुक जाओ सारे लोग. सो व्हाट इज दिस सेकंड पैराग्राफ इज ट्राइंग टू से. सेकंड पैराग्राफ ये बोलता है कि वही बोल रहा है जो फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है. आई मीन अगर आपको पूरे अभी तक का क्या पढ़ा, इफ यू वॉन्ट टू जस्ट टेल टू समवन एल्स कि क्या था इस पैसेज में, जस्ट टेल देम टू थ्री थिंग्स. नंबर वन, कंफ्यूजन इन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, हेयर रिटन समवेयर हेयर. नंबर टू, गवर्नमेंट इज जस्ट लेबलिंग एनी ऑपोजिशन एज टेररिज्म, हेयर वी आर रीडिंग. नंबर थ्री, एनी सब नेशनल ग्रुप और एनी रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म इज बींग लेबल्ड एज इलीगल, सो दैट इज ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो थ्री थिंग्स वी गॉट टू नो, खत्म. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं एंड पहले कुछ कॉमेंट्स लिया जाए. आप लोगों के बड़े सारे क्वेश्चन है. अरे एक बात सुनो, अगर मैं कॉमेंट्स डिसेबल कर दूं ना अभी मजा आएगा. ऑल दोज ऑफ यू वेलकम टू द क्लास हु हैव जस्ट जॉइन. क्या हुआ, कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन इधर है. एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग दैट विल हेल्प. रिधिमा, व्हाट कैन यू डू? दिस इज द स्पेशल क्लास इन विच आई एम कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स. दिस इज द पार्ट फोर क्लास. स्टे हेयर इन द क्लास, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. I will try to make it easy for you today. And whenever you get time, please do see the part 3, part 2, part 1, kal, parso, tarso, jo hua tha. That's it. That is enough to get you with along with the class. Just don't take tension. ठीक है? Tension लेने से नहीं होगा. सही है? Okay, okay. चलो. Passage पढ़ते हैं, खत्म करते हैं. Yeah. Free नहीं होते तो देख नहीं सकते थे. क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, क्लास के बारे में? ओके ओके ओके. नाउ फर्दर व्हाट आर द नेक्स्ट टू पैराग्राफ सेइंग. टुडे वी आर गोइंग डेड स्लो एंड इट इज ओके, डोंट थिंक एवरीवन. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड गेटिंग दिस फीलिंग कि अरे 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 टुडे तो वी आर लाइक सो स्लो गोइंग, राइट? यस, जल्दी जल्दी समरी करा है. बिल्कुल नीरज, मेरे को पता है जल्दी जल्दी करा रहे क्वेश्चन आप लोग कैसे. हाँ देखो, प्रेजेंट सो इट्स लाइक कि थोड़ा स्पीड. चलो चलो चलो, लेट्स एंड इट ऑल. यप, लेट्स एंड इट ऑल. ओके, दिस हैज कंटिन्यूड. ओके, वेट, नो मोर कमेंट्स. दिस हैज कंटिन्यूड. नाउ सी, लिसन प्लीज, डोंट कमेंट अंटिल एंड अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट. हाँ, एल्स ओके वी आर नॉट एबल टू फोकस. चलो समरी करें. यस अर्पित, दिस हैज कंटिन्यूड टू बी द केस वेयर सीरिया रिसेंटली पब्लिश एम्बेरसिंगली रिफ्यूज टू एंडोर्स ब्रिटिश अमेरिकन गे. Since global phenomenon of terrorism, the arose notion does continue to be case. Syria पे कोई question था? नहीं था. एक publicly and embarrassingly refused to endorse. ये किसकी बात कर रहा? Refused to endorse. अच्छा, तो they are giving an example of this one. ये इस paragraph का example है. Revolutionary terrorism का example है. Sub national groups का example is going on. So just ignore the example. Let us see where this example gets finished. Arose the notorious adage that one person terrorist other person freedom fighter. So dekho, big picture samjho. Big picture is the in any country, if there are certain revolutionaries, certain freedom fighters, the government is going against them. So inside that country, there might be some people who have been labeled as terrorist by the government, but for the people, they are actually fighting for their freedom. Jaise ki hamari country mein, in our country, we people were fighting for freedom, but many of our leaders were labeled as freedom. We called them freedom fighters, but they were, as per British, they were labeled as what? Revolutionary terrorist. So this was the same scene going on. Example hai, this is just ignored, just example. This relativism is central to the impossibility finding uncontentious definition of terrorism. So only one reason ki why we couldn't find the definition of terrorism, because government labels people as terrorists. In one way, these people might be working for, fighting for terrorism. That's it. One idea only. There is nothing new. Some writers suggested that instead of pursuing the will-o-wisp, the precise definition, it would make more sense to construct a typology of the kind of action that are generally seen as terrorist. New idea mila, kuch naya mila. Chalo, we get something new. Some writers suggest that it would be more sensible to construct a
लिस्ट, ओके, टोपोलॉजी ऑफ एक्शन दैट कैन बी सीन एज टेररिस्ट, बट हु इज सजेस्टिंग सम राइटर्स, नॉट द ऑथर. बस यस. अब क्या है, फर्दर क्या है, दिस इज सर्टनली द केस दैट मेनी काइंड ऑफ एक्शन रिपीटेडली यूज बाई टेररिस्ट ग्रुप. आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस हाइफन. ओके, certain many kind of action repeatedly used by terrorist groups are seldom if ever used in conventionally military conflict. Pehle samajh lo warna aage nahi jana. This is the case, many kind of actions repeatedly used. So what is they talking about? Okay, they are talking about these actions. These actions are repeatedly used by terrorist groups. These actions contains of this, this and this. If these things are happening as per these writers, they will be, we will be calling them as terrorists. Okay, but any such list soon peters out, but any such list soon dies. Why? Too many terrorist action duplicates, terrorist action duplicates either military or criminal act. So we are in a full circle now. Humne yahan se start kiya na, yahi pe pahunch gaye hain. We are in a full circle. Okay, in any case, in the end, not so much action themselves that are characteristic of terrorism as their intended political function. Ignore Maro. Don't focus on the typical English. Focus on the big picture. Focus on the story and enjoy it. Yes? To get the real definition of terrorism, we need to unpick its political logic. Shayad yahan se kuch kaam kao. Military criminal aayega fir. Bilkul sahi baat hai. Military criminal. Abhi ye military criminal ke beech ka definition hi gadbad hai. Uske wajah se terrorism kya hogi? Definition आ ही नहीं सकती. Some people have tried, academicians have tried, authors have tried, governments have tried, but still there is no consensus कि what is the exact definition. That is the only passage is trying to say. अच्छा, last two lines. Let us see if there is something important. To get the real definition of terrorism, we need to, now who is saying this? Author is saying this. काम का हो सकता है. Unpick its political logic. ओ तेरी. So अगर आपको new definition, real definition ढूंढना है, तो आपको क्या करना है? आपको पॉलिटिकल लॉजिक से डेफिनेशन को दूर करना पड़ेगा. मतलब आपको टेररिज्म एक्टिविटीज एंड उसका पॉलिटिकल लॉजिक सेपरेट करना पड़ेगा. वाओ, नाउ दिस इज समथिंग न्यू. ओके, पॉलिटिकल लॉजिक नहीं लेना. एग्जैक्टली चौथी, फॉर द कोर ऑफ नियरली ऑल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, इग्नोर दिस, इज टू स्मॉल टू डिफाइन, टू स्मॉल, टू सिमिलर, सॉरी, टू द डेफिनेशन ऑफ वॉर टू बी ऑफ मच यूज. और थ्री, सो ऑथर इज सेइंग पॉलिटिकल लॉजिक को अलग करो, टेररिज्म सिमिलर होगा वॉर के डेफिनेशन के साथ. नाउ दिस इज समथिंग ऑथर इज सजेस्टिंग. ये काम का है क्योंकि दिस वॉज नो वेयर रिटन. लास्ट लाइन वॉज नो वेयर रिटन इन द पैसेज. फाइनली ऑथर सजेस्टेड समथिंग. फाइनली ऑथर सजेस्टेड के सेपरेट पॉलिटिकल एंगल फ्रॉम द रेस्ट एंड वट एवर एक्टिविटीज आर देयर दे हैव टू बी सिमिलर विद द डेफिनेशन ऑफ वॉर. Then only we may be able to define terrorism. That's it. अब question करते हैं. अभी question नहीं करते. Done है? Okay. So, Srishti, Saloni, Prashant and so many students are here just joining. Everyone, welcome to the class. चलो, passage करते हैं. Actually, class 4 बजे start हुई थी. Now, why? What can I do? अब क्या repeat करेंगे? चलो, अब देखते हैं. According to author, which of the following best shows the result of lack of clear definition of terrorism? आराम से पढ़ के देंगे, जल्दी नहीं करेंगे. इजी, स्टार्टिंग द पोल, 3, 2, 1, हियर. देखो, जो भी मार्क किया जाता है ना, हर चीज का प्रूफ होता है. ओहो हो, इतनी जल्दी मार्क हुआ कि दिखाई नहीं सबका नाम ऊपर. ये 68% ऑफ द क्लास का करेक्ट है. किसी का नाम लेके कोई फायदा ही नहीं है. आई कैन सी यू भागा ऊपर, सबका नाम करेक्ट हो गया. शाबाश. यस सलोनी, वी विल डेली हैव अ क्लास एट 4 PM फॉर दिस मंथ विदाउट फेल. डेली. ओहो, देखो लीडर बोर्ड. नाउ द लीडर बोर्ड विल डिपेंड ऑन द नेट स्पीड फॉर नाउ because so many of you have voted and yes, it will only show the top 10. We have Shubham, Mayank, Ashutosh, Astha, Sunil, Shrisha, Shreya, Gaurav, Pratik, Shubhangi. Most of you are like, happened again. Arre, koi baat nahi. Poor net speed. Koi baat nahi. Chalta hai, chalta hai. Cat mein, it won't matter. Theek hai, chalo, ye ho gaya.
Why the answer is D? Why not ABC? Most of you were right, but some of you were wrong. Q. Saboot, we only need the proof. As it is inability of politicians, academicians to find a solution to counter terrorism, as it is, this line is written here, where in the first line, both efforts to get grades have repeatedly been hung up on the issue of definition bus. As it is diya hua. So, fact-based question ka fact-based answer, as it is diya hua, strongest answer, right? Ek trick that I tell everyone, rank 29, rank 40. Are koi baat nahi. Okay, Anshu, Pranjal, okay, it's okay, fine, koi nahi. Maybe next question tak aate aate kuch logo ka gadbad hota jaye, aap logo ka sahi ho jaye, leaderboard mein aap aa jao. Leaderboard is quite volatile these days, huh? Second, which does the passage seem to suggest would be the best way to solve the problem of finding a definition? Passage seem to suggest, hai? Passage, not the author. ऑथर ने कुछ और सजेस्ट किया था अगर याद हो तो लास्ट में पैसेज ने बीच बीच में कुछ सजेस्ट करता गया था वो ढूंढ के सोच समझ के मार्क करना आंसर पढ़ो पहले पढ़ के करेंगे गड़बड़ नहीं करना टेक मोर टाइम एंड अंडरस्टैंड प्रेशर मत डालना लेकिन माइंड में प्रेशर नहीं लॉजिक से सारा काम लॉजिक से पैसेज ने क्या बोला था एक मैंने आंसर दिया आपको मतलब एक क्लू है कि नॉट नेसेसरी टू रीड फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन एंजाइटी क्रिएट होता है बीच में से पढ़ना स्टार्ट करो सी बी डी ए ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो हो सकता है आंसर जल्दी मिल जाए पैसेज चलना है अच्छा एक मिनट जाओ कैन आई फर्स्ट माई सेल्फ सी द ऑप्शंस ओके पोल अरे पैसेज देख लो उसके बाद कहाँ दिखाना है आपको मेरे को ये भी नहीं पता मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े यू नो Passage suggested something, right? But what? Next page, maybe. Next page, let us see. Done. Now the everything is written in right and in front of you. Eh? See how smart the notes were. Huh? Okay, now which option is talking about it? Let me read the options, else I won't be able to switch the poll on. Yes, here is the answer. Here we go. 3, 2, 1, start. Saloni, what is the difference between passage suggested and author suggested? सलोनी yesterday we discussed this very precisely कल के सेशन आप देखना जरूर definition difference ये है कि author का opinion देखा जाता है and passage suggested में source देखी जाती है so इधर हम लोग वो mark करेंगे जिसमें जो source ने बोला author ने नहीं बोला sources ने बोला वो facts को देखी जाती है जयश्री good शाबाश correct हुआ अभी Confused between C and D. Oh, I can see this confusion happening between so many of you. OMG. See the leaderboard now. It is Sunil, Shubhangi, Mayank. Then Zainab, Nikita, Aditi, Gaurav, Guru, Deeksha, Prakash. B hona chahiye tha. Abhi dekhte hain kaise answer aaya. Dekho, passage seem to suggest hai. Peeche chalo. Passage ne ye suggest kiya. Passage means facts. Facts means that author was not saying that someone else was saying. Who was saying? Writers. This is not the author, right? Writers have suggested. What the writers have suggested? To make a topography of kind of action. What is topography? List bol sakte ho? List out karna actions ka. What action will be labeled as terrorism? Author ne toh ye bola tha. Author said this. Author said ki political logic too similar to war, ye wala to author said. Now, coming to the options. Now we have seen what the answer is. Option mein, number one, if definition is not applied to terrorist, it will be like what, kya bola, I don't know kya bola, eliminate. If countries come together and form a common definition of terrorism, I'm like, no, this was not told to us, something else was told, list wali baat boli thi. ये देखो list of action is identified coming under definition of terrorism बिल्कुल actions को ही topography करनी थी list ये लिखा हुआ है direct
बाय डिफरेंशिएटिंग टेररिज्म फ्रॉम मिलिट्री एक्शन. वेल वेल वेल, ये ऑथर ने बोला था, ये ऑथर ने बोला था. एक्चुअली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, पैसिव सीम आरसी वाले क्वेश्चन आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एंड द बेस्ट फैक्ट, ओके लेट मी टेल यू, बेस्ट फैक्ट विल बी कमिंग फ्रॉम अ सोर्स. यस, पैसेज ने यह भी बोला था, जो सी ने लिखा है वो भी बोला था, लेकिन बेस्ट फैक्ट क्या होगा? जब आपको बहुत सारे फैक्ट में से सबसे अच्छा वाला चूज करना हो, वो चूज करेंगे जो किसी और ने बताया. दैट इज हाउ वी गो विथ डी. वंस अगेन आई रिपीट, आई नो कि सम ऑफ यू आर स्टिल बिजी टॉकिंग फैक्ट. ओके, बेस्ट फैक्ट विल बी विच वन? बेस्ट फैक्ट विल बी कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इन इनवर्टेड कॉमर्स और समवन एल्स हैज सेड. नाउ ये वाली जो बात है, दिस मिलिट्री एक्शन डिफरेंशिएटिंग टेररिज्म फ्रॉम मिलिट्री एक्शन, यस दिस वॉज रिटन इन द पैसेज. यस 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 दिस वॉज रिटन इन द पैसेज. लेकिन किसने बोला ये, क्लैरिटी नहीं. शायद ऑथर ने बोला, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देने की कोशिश हो रही है. किसने बोला? सम राइटर्स. इसका सोर्स है कंफर्म. सो ज्यादा बड़ा वाला फैक्ट ये वाला होगा. सो जब कंफ्यूजन हो, जेन्युइन कंफ्यूजन हो, फाइंड दैट विच इज प्रोवाइडिंग यू द बिगर साइड. ज्यादा बड़ा कवरेज जिसका, उसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट. बट हमने तो इग्नोर किया था ये मैम. यस, हमने इग्नोर किया था. फैक्ट्स हम लोगों ने इग्नोर की थी, लेकिन पढ़ी भी तो थी हमने. इग्नोर पढ़ के इग्नोर किया था कुछ फैक्ट्स को. देखो फैक्ट्स हमें इग्नोर क्या करना होता है, चलो ओके. फैक्ट्स के बाद पर कंफ्यूजन है, चलो. फैक्ट्स होता क्या है, राइट? फैक्ट्स जो आपको इग्नोर करना है वो क्या करना है, वो आपको डेटा डिटेल्स इग्नोर करना है. अभी जिसकी क्वेश्चन है, अभी जब हम लोग फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, यहां जो हमने जिसको हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ डेटा डिटेल. सी दिस, दिस इज एन आइडिया. दिस इज अ न्यू आइडिया सजेस्टेड बाय समवन. न्यू आइडिया, आई नो दिस न्यू आइडिया इज अ फैक्ट. व्हाई दिस? बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स. आई नो दिस. हम लोगों को डेटा को देखना है, लेकिन इग्नोर पूरी तरीके से मतलब ये नहीं कि आंखें बंद कर लेनी है, देख के इग्नोर करना है. हमें ये पता होना चाहिए कि कहां पे हमने कैसा डेटा इग्नोर किया. आपकी गलती नहीं है, गलती ये है, किसी की गलती नहीं. इनफैक्ट यस, आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग कि इस पे ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन ने आया, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन फैक्चुअल वाला क्या था, क्योंकि हमें पता है कि ऑथर ने सॉल्यूशन दी है, लेकिन क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग टू पैसेज बोला, तो तुरंत समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है. दया, ऑथर का सॉल्यूशन नहीं पूछा है, पैसेज का सॉल्यूशन. तो दिमाग दौड़ाया, पैसेज ने सिर्फ सॉल्यूशन इधर दी थी, पीछे सॉल्यूशन दिया ही नहीं था. इनफैक्ट जो आप लोग ऑप्शन सी देख रहे हो, ऑप्शन सी ये सॉल्यूशन है ही नहीं. टेररिज्म और मिलिट्री एक्शन में डिफरेंस करने को किसी ने सजेस्ट किया ही नहीं, ऑथर ने भी नहीं. ये तो फैक्चुअली गड़बड़ है. पैसेज ने सजेस्ट ये सॉल्यूशन किया ही नहीं, तो ये तो था ही नहीं. एक ही सॉल्यूशन था, वो था डी. बट वहां पर सम राइटर्स हैं, हाँ, तो कंफर्म तो है ना कि यही ऑथर ये चीज बोल रहा है. बट ऑप्शन सी वाला तो क्लियर है कि ऑथर ने ही कहा. यस, और नहीं तो क्या. ऑप्शन सी वाला क्लियर है, ऑथर ने कहा. एंड हमें क्या चाहिए? पैसेज सीम्स. ऑथर का नहीं चाहिए था, पैसेज का चाहिए था, फैक्ट्स का चाहिए था. पैसेज सीम्स, ऑथर का नहीं, फैक्ट्स का चाहिए था. सो दैट्स व्हाई हम लोग सी के साथ नहीं जा सकते. सेकेंड लास्ट लाइन में कॉन्ट्राडिक्ट किया है लिस्ट ऑफ एक्शंस. हाँ किया है, वो ऑथर ने बोला. ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, देयर इज अ मैसिव कंफ्यूजन गोइंग ओवर हियर. पहले आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन सबका क्लियर करें. व्हाट वाज द एक्चुअली पैसेज वाज ट्राइंग टू से? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. चलो लेट्स राइट इट डाउन. अरे वो लैग नहीं, यहाँ पे एक फीचर है जो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है. अगर मैं पेन को ज्यादा देर तक ड्रैग करके खींचू तो क्लास ऑफ हो जाती है. पता नहीं क्यों है ये कोई ग्लिच है जो कि सही हो जाएगा कुछ टाइम में. चलो, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ लाइन. ओके छोड़ो. पैसेज का मैसेज क्या था? मैप. अब एक बनाते हैं पैसेज का मैप, ठीक, जो आप लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड करें. पैसेज के मैप में क्या थी? टेररिज्म के डेफिनेशन में कंफ्यूजन था, राइट? अभी टेररिज्म के डेफिनेशन के लिए किसने क्या बोला, पहले तो समझ लो इसका रीजन. ये बताओ रीजन क्या था टेररिज्म के डेफिनेशन में कंफ्यूजन का? व्हाट वाज द रीजन? रीजन था
लेबलिंग वॉज द लेबलिंग वॉजंट द लेबलिंग द रीजन यस क्यों क्योंकि गवर्नमेंट लेबल करती थी हु लेबल्स गवर्नमेंट लेबल्स एंड गवर्नमेंट की लेबल कैसी थी फ्लॉड गवर्नमेंट का लेबल कैसा था पैसेज के अकॉर्डिंग गड़बड़ गड़बड़ वाई गवर्नमेंट लेबलिंग वॉज गड़बड़ बिकॉज गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग वायलेंस गवर्नमेंट कंसिडर्ड वायलेंस एज इलीगल पैसेज ने बोला नाउ फर्दर ऑथर ने हमें क्या बोला नाउ ऑथर की कमेंट है यहां से स्टार्ट ऑथर सेज मतलब पैसेज सेज गवर्नमेंट का ये एंगल था नाउ पैसेज का व्यू पॉइंट पैसेज में हमें पैसेज ने हमें क्या बताया कि दिस इज रॉन्ग दिस इज नॉट करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट गवर्नमेंट्स डेफिनेशन व्हाई बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट क्या करती है ये पैसेज बोल रहा है पैसेज बोल रहा है गवर्नमेंट लेबल्स दीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज टेररिज्म दिस इज रॉन्ग राइट ये पैसेज ने बोला बस ज्यादा बातें नहीं सीधा सीधा आइडिया यस ओके कंफ्यूजन था क्रिमिनल मिलिट्री एक्शन ठीक है इस कंफ्यूजन को लिखना है इस कंफ्यूजन को लिख लो क्रिमिनल एक्शन क्या होता है क्रिमिनल मिलिट्री एक्शन क्या होता है टेररिज्म वर्सेस क्रिमिनल मिलिट्री एक्शन कंफ्यूजन था लेकिन ये कंफ्यूजन हुआ क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को लेबलिंग में प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट वायलेंस को इलीगल बोल देती है लेकिन पैसेज बोल रहा है कि लेकिन दूसरा साइड फ्लिप ऑफ द कॉइन कॉइन का दूसरा साइड ये है कि कोई अगर फ्रीडम के लिए है ना फ्रीडम के लिए अगर कोई रिवॉल्यूशन करता है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी गवर्नमेंट क्या लेबल कर देती है उसको गवर्नमेंट टेररिज्म लेबल कर देती है एंड दिस इज रॉन्ग ठीक अब फर्दर पैसेज ने क्या बोला पैसेज ने इसका दिया सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसने दिया यहां देखो सॉल्यूशन दिया इसने कुछ राइटर लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया लिस्ट बना लो सम राइटर्स इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया लिस्ट कर लो किसकी एक्टिविटीज की लेकिन ऑथर का कमेंट क्या आ रहा है ऑथर कौन आरसी ऑथर क्या कहता है गड़बड़ हो जाएगा दिस इज रॉन्ग गड़बड़ मीन्स रॉन्ग ओके ऑथर आरसी ऑथर सेज कि दिस विल बी रॉन्ग This will backfire. This will misfire. Why? Why? Same reason. Same reason. What was the reason? Violence. No clear definition. Politics. So, author, RC author. RC authors what? RC author's final suggestion at the end. What was that? Separate politics and what? Separate politics and what was there? Okay, war. Just make it similar with war. And definition, make it similar, yes, with war. Khatam? Kaam khatam, story ajam? Bas. ये था पूरे पैसेज का जिस्ट लिखना पड़ा मेरे को आप लोगों के लिए अभी इतने पैसेज का जिस्ट अगर आप लोग लिखोगे तो कितना टाइम लगेगा देख लो मेरे को कितना टाइम लगा ठीक आपको इसको पहचानने की सिर्फ करनी है प्रैक्टिस ट्रस्ट द प्रोसेस टाइम बहुत है लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है व्हाट एंड व्हाई अब इसके अलावा कितना कुछ पैसेज में भरा भरा हुआ लिखा है फालतू डिटेल्स है सारे फालतू डिटेल्स है आपको क्या देखना था आपको देखना था प्रॉब्लम प्रॉब्लम देख ली था क्या पैसेज किस बारे में वो देख लिया उसको पैसेज ने उस पर क्या कमेंट्री की क्योंकि ऑथर का कुछ अलग पैसेज कुछ अलग बोल रहा है ऑथर उसको नेगेट कर रहा है कि नहीं गवर्नमेंट गलत कर रही है एंड सॉल्यूशन कुछ राइटर लोगों ने क्या दिया लेकिन ऑथर के हिसाब से वो सॉल्यूशन मिसफायर कर जाएगा तो ऑथर ने अपना खुद का सॉल्यूशन दिया खत्म करो बात खत्म अब ये क्वेश्चन में अप्लाई होती है ना अब क्वेश्चन में इधर ये तो सोर्स से आया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक 3:30 पे सोया अरे कौशिक कोई टेंशन नहीं ठीक ओके चलो होपफुली क्लियर है क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स नहीं देखे कोई बात नहीं कौशिक कोई टेंशन नहीं है
हो गए लेट हो गए, अब सही है? अच्छा स्वाति, नीरज, सबको क्लियर ना? होपफुली आई एम नॉट मेकिंग एनी वन बोर। प्रगति, मिहिर, अभिषेक, ठीक है ओके। चलो अब ढूंढो सेंट्रल आइडिया, अब गलती नहीं करना, अब कोई भी गलती नहीं करना। अब आपको टोटल पैसेज आपने खा पी के गोल के मतलब खा लिया है पूरा पैसेज। अब ये समझो ना, यू नो द एंटायर पैसेज। अब देखो व्हाट शुड बी द सेंट्रल आइडिया। आई वांट 95% 99% ऑफ द क्लास मार्किंग द राइट आंसर। पैसेज देख ली इसलिए, पहले ऑप्शंस पढ़ो फिर पोल स्टार्ट करते हैं। गोल के पी लिया, यस शाबाश। ज्ञानेश, अवनी, वेलकम वेलकम टू द क्लास। एंड जस्ट डोंट माइंड अगर मैंने आज आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया क्लास में वेलकम करने के लिए, टाइम ही नहीं मेरा, देख लो पैसेज में फंस गए थे। नॉन कोहेसिव, क्या नॉन कोहेसिव? पता नहीं वो वर्ड लिखा हुआ था पैसेज में एज इट इज, इग्नोर मारो, एज इट इज लिखा तो हुआ था, इग्नोर मारो, पैसेज में भी था, पता नहीं। आई थिंक नॉन कोहेसिव मतलब नॉन वायलेंट, कोहेसिव शायद वायलेंस है, वायलेंस, या वायलेंस है वायलेंस, सो नॉन वायलेंट। और तेरी मेन आइडिया क्या है, ऑप्शंस क्या बोल रहा है? दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज इट्स ऑप्शंस आर ट्रिकी। चलो जो होगा देखा जाएगा, बहुत सारे लोगों का गड़बड़ हो सकता है, आई नो। 3 2 1 स्टार्ट। दिस विल हेल्प यू ओपन योर दिमाग का ढक्कन। शाबाश निकिता, साक्षी, आयुष, अदिति, अभिषेक, प्रकाश, शुभांगी। ओनली 16% गॉट इट राइट। आई वॉज नोइंग दिस बिकॉज आई थॉट कि दिस इज अ इजी क्वेश्चन। स्नेहा गुड, एंड इट टर्न आउट टू बी ट्रिकी। एक ईस्ट दूसरा वेस्ट जा रहा, पहले ही दो में कंफ्यूजन था। गौरव ओके, देखो सो वी हैव अ न्यू लीडर बोर्ड विथ अदिति, शुभांगी, प्रकाश, निकिता, शाबाश, सुनील, मयंक, जैनब, साक्षी, निकिता, गौरव। गुड, ए एंड डी में कंफ्यूजन था। चलो अब करते हैं एलिमिनेट। कैसे पता चले कि ऑप्शन डी कैसे हो गया, ऐसे कैसे? इट जस्ट डिपेंड्स। टू हाईलाइट द एक्टिविटी ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट। लेकिन टेररिस्ट लोगों की एक्टिविटी तो डिसाइड ही नहीं हुई, डिसाइड थी। वर वी डिड द पैसेज गिव अस एनी डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म? नो। हाउ कैन वी टॉक अबाउट देयर एक्टिविटीज बिकॉज इट इज नॉट क्लियर एट ऑल कि व्हाट इज द एक्टिविटी डन बाय टेररिस्ट? वी डोंट नो, वी डोंट नो। इट इज नॉट नॉट द राइट वन। सेकेंड वन, टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ अ नॉन कोहेसिव यूनिवर्स, रीजन फॉर दिस एक्शन प्लान टू टैकल टेररिज्म। अरे बट पैसेज हैव नॉट टोल्ड अस टू टैकल टेररिज्म। पैसेज वॉज कंफ्यूज बिटवीन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टैकलिंग टेररिज्म इज अ एलियन, दिस इज एलियन, नॉट दिस इज आउट ऑफ द पैसेज कंटेक्स्ट, एलियन। थर्ड वन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिलिटरी एक्शन एंड टेररिज्म। आई विल से ओके बट लुक्स लाइक नैरो, बट देन आई विल रीथिंक। मैं फिर से सोचूंगी यार, मिलिट्री एक्शन एंड टेररिज्म के बारे में डिफेंस दिया भी था? देन आई विल रीथिंक एंड आई विल से नो, नहीं दिया था, डिफरेंस नहीं दिया था। बल्कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए तो पैसेज का मुद्दा, पैसेज का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। लेकिन पैसेज खुद ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एक्शन एंड टेररिज्म। नो डिफरेंस इज, नो क्लियर डेफिनेशन, नो क्लियर डिफरेंस इज अवेलेबल। पैसेज तो ये बोल रहा था, सो थोड़ा ओवर थिंक, ज्यादा क्या ये नहीं हो सकता? तो आई जस्ट नाउ प्रे कि इट हैज टू बी डी। व्हाट इज डी सेइंग? टू गिव रीजंस फॉर स्टेट जस्टिफाइंग देयर यूज ऑफ फोर्स। एंड आई वुड बी लाइक यस स्टेट, एक मिनट, आई वुड बी लाइक यस गवर्नमेंट, स्टेट बोले तो गवर्नमेंट, दे आर यूजिंग देयर फोर्स एंड व्हाई दे आर यूजिंग द फोर्स, एटलीस्ट वी कैन आंसर दिस। एट लीस्ट कम से कम हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पैसेज। वी हैव नो अदर चॉइस बिकॉज ए बी सी इज यूजलेस बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन। वी ओनली हैव डी, लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन।
इट इज ओके टू टेक मोर टाइम टू सॉल्व अ पैसेज rather than doing it wrong. In the exam, you don't need to solve more and more questions. In the exam, you need to solve only a particular number of questions to get the magical 99% 100 percentile. Trust the process. Even if you do some kind of like 22 questions, right? 22 questions, but all correct, you can touch the 99 percentile figure. Can? You will definitely. Kyun aur bhi useless lag raha? Neeraj, kaun sa wala? क्यों मतलब ऑप्शन कौन सा बताइए फिर से. ऑप्शन बी इज सेइंग एज इन व्हाई वी फेल टू हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. ऑप्शन बी इज सेइंग अरे ऑप्शन बी इज सेइंग आइडेंटिफाई द रीजन फॉर अ यूनिवर्सल एक्शन प्लान टू टैकल टेररिज्म. डोंट लुक एट दिस टैकल टेररिज्म बट वी आर नॉट टैकलिंग टेररिज्म इन द पैसेज. वी आर नॉट एबल टू डिफाइन टेररिज्म. टैकल कैसे करेंगे पहले पता तो चले कि ये टेररिज्म एक्टिविटी है कि नहीं, फिर ना बाद में टैकल करेंगे उस एक्टिविटी से. सो बी तो होना ही नहीं है. व्हिच पैराग्राफ एग्जेम्प्लीफाइज ऑप्शन डी स्टेट गिविंग रीजन. हियर दिस वन स्टार्टिंग में. हियर सी दिस वन. ओके इन स्टेट्स व्यू स्टेट हैज द राइट टू यूज फोर्स. ओके मोनोपोली लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस. वी हैव द प्रूफ. This paragraph is giving us the proof that at least we can count on point number D. Rest, other options, we don't have any proof to support anything. Only this paragraph is helping us. In fact, here also, state have not been slow to brand. Some parts here also, they're also trying to tell us ki yes, it can be D. Next question ke liye passage ka second page show kar de. Dekh lo, lekin main to next question dekhi nahi. Aap dekh lo pehle. ओके डिफरेंस नहीं दिया है आशुतोष. वो आशुतोष ये बोला था पैसेज में कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है अवेलेबल. इसके चलते ये पैसेज का इतना लंबा चौड़ा पैसेज का पंचायत हुआ. सीरियसली बता रही हूँ, अभी मैं दिखा रही हूँ. दिस पैसेज डन. प्रगति एक बार ये पेज डन हो जाए उसके बाद मैं आपको आशुतोष दिखा रही हूँ. देखो टर्निंग द पेज मूविंग बैक. देखो पैसेज ने ना ये जो बोला है ना ये किधर गया. बोथ एफर्ट्स हंग अप. डेफिनेशन नहीं आ रही. डिस्टिंक्शन ऑफ क्रिमिनल वॉयलेंस मिलिट्री एक्शन. टेररिज्म का क्रिमिनल वॉयलेंस मिलिट्री एक्शन के बीच में इन दोनों का मतलब देर इज टेररिज्म वर्सेज क्रिमिनल वॉयलेंस या मिलिट्री एक्शन जो भी बोलो. टेररिज्म वर्सेज ये दोनों ये क्लैरिटी नहीं है. फर्स्ट लाइन ने भी यही बोला एंड पूरा पैसेज भी कुछ डिफाइन नहीं कर पाया. तो क्या क्लैरिटी है टेररिज्म वर्सेस क्रिमिनल वायलेंस की? क्लैरिटी नहीं है. ठीक. एंड इधर डिफरेंशिएट बिटवीन मिलिट्री एक्शन टेररिज्म नहीं है. नहीं दिया आंसर ही नहीं दिया. तो जिसका आंसर नहीं दिया वो मेन आइडिया क्यों? या तो ये लिखता या तो सी ये लिखता. टू ओके अच्छा 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 एक मिनट. सी पता है कब आंसर सही होता? सी सब तब सही होता जब ये लिखता इनएबिलिटी. इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिलिट्री एक्शन एंड टेररिज्म तब सी सही होता. अगर लिखा होता स्टार्टिंग में इनएबिलिटी टू फाइंड आउट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स तब मैं कहती सी ही मार्क करो. तब मैं कहती डी मत मार्क करो, नैरो हो जाएगा. लेकिन सी ने तो इनएबिलिटी वर्ड बोला ही नहीं, उल्टा था. इसके मेन आइडिया फैक्ट होता है. यस मेन आइडिया मेन फैक्ट होता है एग्जैक्टली. चलो लास्ट देखते हैं. विच इज वैलिडेटेड इन द पैसेज. यानी कि दिस इज द इजी वाला क्वेश्चन. कौन सा वो आंसर है, कौन सा वो स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ में जिसको सपोर्ट किया गया है या फिर जो पैराग्राफ में इस आरसी में अवेलेबल है, बस उतना. ठीक है. कर्व का मतलब देखो जैसे इसमें लिखा है ना कर्व ऑन फ्रीडम. तो फ्रीडम पे रोक लगा देना, हिंडर कर देना, रोक लगा देना. एक सेकेंड, कैन आई रीड द ऑप्शंस? फिर आप लोगों को पेजेस दिखा दूंगी. मेरे को भी खुद पता चल जाएगा मेरे को आपको दिखाना कौन सा पेज है. ज्यादातर टेररिस्ट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट हैज बीन वॉलंटरी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप. अच्छा टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्टिविटी एंड इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ द माइंड. अच्छा कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन वॉज द जेनेसिस ऑफ टेररिज्म. Curb on freedom of political expression, genesis of terrorism. अच्छा,
कोर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वॉर। ओ हो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। चलो पैसेज सोचना पड़ेगा इस पे। तो जैसा सोचा था ये उससे ज्यादा ट्रिकी निकला। हाँ, कर्व रेस्ट्रिक्शन, यस। देखो, एलिमिनेट करने के लिए दो से तीन ऑप्शन इसी पेज में एलिमिनेट हो जाएगा, और एक ऑप्शन देखने के लिए आपको नेक्स्ट पेज चलना है। तो देख लो एक बार, व्हेन द रीडिंग इज डन। यस, पोल अभी ऑन करते कौशिक। दिस इज, यही तो यहाँ पे, यही तभी तो हम लोग बिल्कुल लेवल नीचे से चलते हैं, सो दैट मेरी कोशिश रहती है कि सबको समझ में आए। हाय देवाशीष, वेलकम, गुड इवनिंग। क्लास तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे है, एंड आज ये पैसेज करने के बाद कल हम लोग, समझ लो सारे लोग, कल हम लोग कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड अगर टाइम परमिट करे तो कुछ टोन्स को डिस्कस कर लेंगे, टोन ऑफ आरसीज। क्योंकि आप लोग उस दिन बोल रहे थे कि टोन नहीं समझ में आ रहा, टोन नहीं समझ में आ रहा, टोन एग्जैक्टली है क्या, वो निकालते कैसे हैं, उस पर बात करेंगे, एंड कुछ पॉपुलर टोन्स शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन टोन बाद में, पहले क्वेश्चंस। टोन तो वोकैबुलरी है, टोन पहचानना सीखने के लिए पहले पैसेज पहचाननी होती है। आज पूरा 1 आवर लग गया एक पैसेज के साथ, इट्स ओके। बोल, इजी है? यस आरुष, हम लोगों के लिए इजी है क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स कब का कर लिया है। लेकिन आप देख रहे हो कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं। सोचो जब आप भी बिल्कुल न्यू थे तब भी आपको थोड़ा सा टफ लगता होगा, है ना। क्या 20 के लिए फ्री क्लास और स्पेशल क्लास सफिशियंट है? आई डोंट नो हिमा, फ्री क्लास में देखो मैं तो वर्बल आपको कॉन्सेप्ट्स दे दूंगी, बट आई कैन नॉट एश्योर यू एनीथिंग अबाउट द क्वांट सेक्शन, अबाउट द डीआई सेक्शन। एंड मैं जितने भी क्लासेस में आप लोगों को दूंगी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द एंटायर बेसिक्स, लेकिन क्या वो बेसिक्स एडिक्वेट होंगे कैट लेवल पे, वो थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेना। लेजेंड हो? ओहो, प्लस वाले सारे लेजेंड है, स्पेशली वो सारे लोग जिनको बेसिक्स पता है। फर्स्ट पेज फिर से देखना है? लो, एक काम करिए गाइज, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो पेजेस का। इसको कहते हैं लेजेंड का टेबल टेनिस। चलो अब चलो क्वेश्चन पे, पोल पे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत देर हो गई। अरे ओके ओके ओके, सो कौन सा स्टेटमेंट पैसेज में था, सोचो। अरे ये आया तीसरा लेजेंड। कहीं भी शुरू हो जाते तीनों है। ओके, हे नाउ आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, गड़बड़ हो गया कि कैसे। Which is validated, right? In the passage, okay? Aha, देखो elimination से answer आ सकता है, वरना answer नहीं आ सकता। Here is the answer. देखो, देखते कितने लोगों का सही answer आता है। Ironhide, सूरज, यश, प्रगति, साक्षी, शुभम, नीरज, गौरी, नूर, प्रदीप, मिहिर। एक दो answers misfire, एक दो नहीं, बहुत सारे answers misfire। अरे मेरे को थोड़ा पता था कि this is going to be the टफेस्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम लोग कभी भी कोई आंसर मार्क करते हैं विद प्रूफ, सबूत देखेंगे। अदिति, अंकित, शाबाश, प्रगति करेक्ट हो गया, गुड। हाँ ओके, सो फाइनल लीडर बोर्ड, एंड ये रहा अदिति, साक्षी, गुरु, ओहो शुभांगी, प्रकाश, निकिता, प्रगति सक्सेना, मिहिर, सुनील, मयंक। टॉप 10 जो कि इस लीडर बोर्ड में अवेलेबल है। बी एंड सी में कंफ्यूज हो गए, ऊपर से गया। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ओके, सो टुडे आई कैन सी अदिति गंगवार। अदिति, क्या हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं शायद? बी पैसेज में है। अरे बी का उल्टा है, क्या देख लिया? देखो ध्यान दो, देखो 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 देखो, ए ने एक, अब मैं एक एक करके स्टार्टिंग से एक एक करके देखते हैं। ए, व्हाट इज ए सेइंग? टेररिस्ट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट हैज बीन वॉलंटरीली अडॉप्टेड, हैज बीन अडॉप्टेड By group, और तेरी उसका उल्टा लिखा था, terrorist is not, terrorist कोई voluntary adopt not, नहीं करता, इसका उल्टा था। ये रहा सबूत, सबूत की बात करो तो ये रहा। terrorism की definition देखो, voluntarily,
नेवर बीन वॉलंटरिली एडॉप्टेड बाय एनीवन. मिल गया सबूत कि पहला वाला गलत है, नेवर था. एंड इधर क्या लिखा था, इधर नेवर लिखा नहीं था. हो गया गड़बड़, सबूत देख लिया, चलो ये गया. सेकेंड, टेररिज्म इज अ वायलेंट एक्टिविटी एंड इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड. एक और गड़बड़, देखो सबूत पीछे, इधर लिखा लास्ट लाइन में टेररिज्म इज अ स्टेट ऑफ माइंड. किधर था, किधर था, कहीं था, लास्ट लाइन कहीं पे थी. टेररिज्म अपीयर्स टू बी अ स्टेट ऑफ माइंड. सबूत उल्टा लिखा हुआ है पीछे, गया सेकेंड गया. क्या ऑब्जर्वेशन करते हो यार, ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो, ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो बस, और कुछ नहीं करना कैट में. गया. थर्ड, कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन वॉज द जेनेसिस ऑफ टेररिज्म. क्योंकि पॉलिटिकली लोगों को एक्सप्रेस करने को नहीं मिला, इसीलिए वो टेररिस्ट बन गए. डायरेक्ट नहीं लिखिए लेकिन इस बात का सबूत है. किधर इसका सबूत, इस बात का सबूत है ये. टेररिज्म वाला पैराग्राफ किधर गया सारा, देखो. वन पर्सन्स टेररिस्ट इज अनदर फ्रीडम फाइटर. कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई टेररिस्ट हो सकता है, लेकिन उसी देश में कुछ और लोगों के रहने वालों के लिए वो उनका भगवान हो सकता है, फ्रीडम फाइटर हो सकता है. ये पैसेज ने बोली थी, इसका सबूत है, सी का सबूत है. बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए, मैं भी बात नहीं करती, आप भी बात मत किया करो. तो इसका सबूत मिल गया. वॉट अबाउट डी, द कोर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वॉर. अरे डिफरेंट नहीं, सेम, सिमिलर. ये लास्ट लाइन में ऑथर ने बोला था, सबका सबूत है मेरे पास. देखो, टेररिज्म वायलेंस फॉर पॉलिटिकल एंड इज टू सिमिलर विद द डेफिनेशन ऑफ वॉर. सबूत. सो सीखा क्या, फोकस ऑन द सबूत एंड इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, फोकस, ऑब्जर्वेशन. तो वीआरसी आपको, आपकी नया पार कैसे लगेगी, यू नीड टू फोकस, इंक्रीज योर फोकस, इंक्रीज योर एबिलिटी टू स्टे हैप्पी. राइट, अगर आप खुश नहीं होगे तो आपको पैसे समझ में नहीं आएगा. देन मजे लो पैसेज के, बी स्लो, बी स्लो. मैंने कब बोला भागना है, तब भागोगे जब समझोगे. फर्स्ट अंडरस्टैंड देन यू विल रेस. आप तब जल्दी जाओगे जब आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. फोकस ऑन वॉट, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. इतना सा अभी समझने पे फोकस करेंगे. With, देखना, दो चार दिन बाद, एक महीने बाद, दो महीने बाद, यू विल बी अनपैरेलल्ड. फिर होगी असली कॉम्पिटिशन कैट में. अभी कैट आने में 8 महीना है. अभी एक्यूरेसी पे फोकस करो. किधर फोकस करो, एक्यूरेसी पे, टाइम पे अभी नहीं. टाइम पे वो लोग फोकस करेंगे, प्लस वाले लोग जो अभी प्लस में है, जो लेवल अप क्लासेस में है. आप लोग भी शायद अभी टाइम पे फोकस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका लेवल बन रहा है. लेकिन जब आप लोग सारे लोग इधर बेसिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मत शिकायत करना, हाय आज तो 1 घंटे में एक ही आरसी हुआ, ऐसे कैसे चलेगा. अरे तो सीख भी तो रहे हो, सीखना भी तो है, या जाके मार्क करना है गलत गलत जल्दी जल्दी मार्क करके. गलती नहीं करनी है, वर्क ऑन एक्यूरेसी, स्पीड अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी. ठीक है, चलो चलो चलो. हाँ, मेरे बाय बोलने से पहले सबका, कल की पार्टी का मेन्यू क्या रहेगा, कल की पार्टी का मेन्यू रहेगा ये वाला पीडीएफ. ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप इसको रिवाइज करना. ये ऐसे स्टार्ट होगा, बिल्कुल ये वाला पीडीएफ में पढ़ाने वाली हूँ. कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे. आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है. कुछ 2-3 क्वेश्चन है, पढ़ के रखना. उसके बाद इसी पीडीएफ में कुछ टोन्स हैं. टोन निकालते कैसे, वो आपको मैं बता दूंगी. टोन में ऑब्जर्व क्या करनी है वो आप देख लेना, ठीक. सो काइंड ऑफ होमवर्क आप लोगों के लिए पहले से ही इस बार तैयार. आरसी पार्ट 4 है ये, आरसी पार्ट 5 में हम लोग मिलेंगे. दैट्स ऑल, ठीक, दैट्स इट. 1 घंटे तक बाद इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी. जिनका मिस हो गया वो देख लेना. जिनका पिछले कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3, 2, 1 मिस है, उसके वजह से आज प्रॉब्लम हो रही है, वो पार्ट 3, 2, 1 जब भी टाइम मिले निकाल के देख लेना. वेयर कैन आई गेट द पीडीएफ, 1 घंटे बाद अंकित फिर से आना मेरे प्रोफाइल में. जस्ट टाइप माई नेम इन अन अकेडमी, स्पेशल क्लासेस में जाना, आपको इसका सेशन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा. तो यहाँ पे ऐसे मेरा फोटो बना हुआ आ रहा होगा गंदा वाला, ठीक है, ऐसे रिकॉर्डिंग का बटन आ गया होगा एंड यहाँ पे पीडीएफ का बटन आ चुका होगा, ठीक है. 1-2 बटन और आते हैं, मेरे को याद नहीं क्या क्या नीचे कुछ 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 लिखा होता है. सो जस्ट पीडीएफ करना, डाउनलोड कर लेना. विथ एनोटेशन करोगे तो ये जो फालतू के इंक्स मैं चलाते रहती हूँ वो भी साथ में आ जाएगा, जहाँ पे मैंने नोट्स बनाए वो भी मिल जाएगा. विदाउट एनोटेशन करोगे तो कोरा सिंपल स्लाइड्स मिलेंगे. विथ एनोटेशन डाउनलोड किया करो, नोट्स मिल जाएगा विथ एनोटेशन. देखो ब्लैक के ऊपर ब्लैक भी अच्छा चलता है, ठीक है. यस, वी हैव नाउ फिनिश्ड द क्लास. दीक्षा,
ओके चलो ठीक है, दैट्स ऑल दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। होपफुली आज की क्लास ने आप लोगों को इनलाइटन ही किया हो। क्लास वॉज अ लिटिल बिट स्लो एंड बोरिंग आई अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई टू मेक यू ऑल इनलाइटेंड कि ऐसे देखी जाती है ऐसे नहीं। स्टे मेक द लेट द क्लास बी स्लो एंड बोरिंग, बट लेट आई विल लेट ऑल ऑफ यू लर्न एवरीथिंग। सीख लो फिर स्पीड बाद में, स्पीड के लिए बड़ा टाइम है, नॉट बोरिंग एट ऑल। शाबाश। ओके अच्छा ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना हो तो ऊपर एक लिंक वगैरह दिया भी था प्रकाश ने। एंड अच्छा यहाँ पे मैंने यूट्यूब का एक लेसन पिन किया हुआ है, आज एक क्विज है, एंड क्विज में कुछ बताया जा रहा था, कुछ वाउचर वाउचर का प्राइस है, मेरे को कुछ क्लैरिटी तो नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मजे के लिए आ जाना यूट्यूब चैनल रात को 9:30 बजे, रेटिंग देके जाना। अरे आरुष थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल देके जाना, बहुत कुछ सीखा। अरे बस मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आने वाले कुछ सेशंस में इतना सारा सिखा दूं कि बस खुद से मतलब उड़ना सीख जाओ, बाकी कोड दे दो अपना। अरे हाँ देखो कोड मेरा, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस BHGHOSH.YT इज द कोड, यूज दिस एंड कम टू अन अकेडमी प्लस। 14 तारीख से हाई लेवल लेवल अप कर रहे हैं, 14 तारीख से मंडे टू फ्राइडे रात को 10:30 PM से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे तो AM हो जाएगा ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 14th से क्लास स्टार्ट हो रही है। लेवल अप करना है, आना है, आ जाना, तब तक प्लस में भी मतलब RC तो हो ही जाएगी। 500 रुपये उधार दे देंगे कौशिक अच्छा, तुम लोगों को पेटीएम करना पड़ेगा। हाँ गलत टाइम सेट किया मैंने, ये देखो ये बड़ा पंगा है, कुछ लोग कहते सही है कुछ लोग कहते गलत है। अरे यार मैं क्या करूं, कोई नहीं आरुष आप वीकेंड वाले पे आया करो जैसे हो सके। बचपन जैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आज से डर नहीं लग रहा। अरे वाह शाबाश, मतलब क्या बोलूं अब मैं। अरे आरसी इज लाइक की आरसी हेट आरसी आरसी इज दैट थिंग, मजे लेने चाहिए वरना और क्या। हाँ मार्केटर है, सैलरी सैलरी कितनी लोग है बेटा ये कुछ 4-5 मार्केटर वाले लोग हैं कोप करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करना, हो जाए तो फाइन है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है आरुष, कोई प्रेशर नहीं है ठीक है। चलो 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 बड़ा टाइम हो गया, क्लास बंद करते हैं ठीक, मिलते हैं टुमारो सेम टाइम 4 बजे। एंड प्लस कब से रिज्यूम हो रहा है मेरा, आज क्या तारीख है? अरे कल और मजे मार लो, उसके बाद पूरा महीना छुट्टी नहीं है, कल भी प्लस वालों की छुट्टी, कल भी कोई प्लस का क्लास नहीं, कल हम लोग स्पेशल क्लास 4 बजे फिर से मिलेंगे, 4 बजे की पार्टी ठीक है। कल 10 ए कल सैटरडे है क्या? नहीं कल भी फ्राइडे है, आय आय आय, सैटरडे को 2 बजे क्लास है, सैटरडे से स्टार्ट होगा। और फिर मंडे ट्यूसडे इज द वर्स्ट, सवेरे सवेरे क्लास देना पड़ता है, पता है लॉकडाउन इफेक्ट्स अ लॉट अ लॉट। कांट डू एनीथिंग, अभी देखो क्या होता है, क्या हाल होता है दुनिया का। मैंने आपके आंसर नहीं किए राजीव, सॉरी अभी मैं देखती हूँ आपके आंसर कर लेती हूँ प्रकाश थैंक यू टू शेयर द रेफर कोड। राजीव आपका क्वेश्चन देखती हूँ किधर। हाँ पेशेंस, अच्छा आप लोग मेरी हेल्प कर रहे थे इसमें, और क्या क्या ऐड करूं, ए नहीं मिला, टाइप करो दोबारा से क्वेश्चन ना। अच्छा 1 मिनट ढूंढती हूँ, आप जब तक टाइप करोगे तब तक शायद मेरे को क्वेश्चन मिल जाएगा। इतने सारे कमेंट्स पता ही नहीं चलते हैं, एंड मेरे को ये भी पता नहीं चला कि आज कितने लोगों ने काम के क्वेश्चन पूछे। अच्छा अंकृत का आंसर मैंने कर दिया था, वेयर कैन आई गेट द पीडीएफ वाला, धन्यवाद सबको। कल के पार्टी का मेन्यू सब बता दिया मैंने, कल के पार्टी में टोन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, एंड वो हो गया तो टोन। कोई स्पैम भी कर रहा था इधर को, टॉप 5 से डाउन हो गए, कौन डाउन हो गया? आज से CID देखना शुरू हाँ CID वाला माइंड इधर लगेगा। हाँ वो तो क्वेश्चन पे आ गए, अरे मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला। ओके होमवर्क पैसेज कहाँ डाला है, इसमें जो पैसेज है वो सारे कर लो, कल होमवर्क कम है, कल हम लोग टोन की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को पता है ये जितना बड़ा PDF है ना ये 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा देगा, कल फिर से इसमें कुछ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए ये 2-3 क्वेश्चन डाले हैं विदाउट ऑप्शंस,
छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, आपको उसका एसेंस निकालना है। कल इस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्रिटिकल जा सकता है, ये समरी का क्वेश्चन भी हो सकता है। यू कैन यूज योर कोड अंडर स्लाइड विथ नेम ऑफ योर्स विच अदर एजुकेटर्स ऑल्सो शोइंग, यस हाँ एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव, यस राजीव दैट इज तो देयर बट मैंने स्लाइड्स पहले बना दी एंड यू नो वॉट आई एम वेरी आलसी। नहीं आइडिया अच्छा है, हाँ यस नहीं नहीं आइडिया अच्छा है, सही बात है आइडिया अच्छा है। पूछो पूछो प्रकाश, डाउट पूछो बताओ। आज फर्स्ट टाइम हो रहा है कि क्लास ऑफिशियली खत्म होने के बाद भी वी आर लाइक इन द चैट बॉक्स, क्या बात है। अनअकैडमी देखेगी तो देव बोलेंगे कि वाह महान, ये आपस में प्रोफेशनल मार्केटर। ओहो लास्ट का क्वेश्चन में सी कैसे हुआ, चलो देख लेते। ओके लास्ट के क्वेश्चन में सी कैसे हुआ मेरे को भी नहीं पता, लास्ट का क्वेश्चन क्या था। अरे ये इसका सबूत है, इसका सबूत है प्रकाश। सी ने बोला क्या, वी सो कॉल्ड से भावनाओं को समझो, हाय आके वेलकम टू द क्लास, वेलकम क्या बस क्लास खत्म हो गई, बस एक छोटा सा डाउट उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। इसने बोला कर्ब ऑन फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन वॉज द जेनेसिस ऑफ टेररिज्म, भावनाओं को पहले समझो, टेररिज्म की जेनेसिस, काइंड ऑफ टेररिज्म, जेनेसिस बोलो तो ओरिजिन, ठीक है ना। टेररिज्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाए, कर्ब कर दिया जाए। जैसे कल मैंने प्लस वाला ग्रुप का लॉकडाउन किया था, पता है आपको, आपको नहीं पता, प्लस वाले ग्रुप को कल प्रकाश मैंने लॉकडाउन कर दिया था, कल पूरे दिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। दैट वाज आई पुट अ कर्ब ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एवरीवन इन दैट ग्रुप, यस। तो अगर कोई पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को कर्ब कर दे, ठीक है, कोई खुद को बात करने ना दे, मतलब कोई खुद को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करने के लिए ना दे, तो वो विरोध प्रकट करेगा, उससे क्या हो सकता है, उससे टेररिज्म हो सकता है। ये बात सी बोल रहा है, क्या ये बात पैसेज में थी, आंसर है हाँ, इसका प्रूफ है पैसेज में, ये दिया हुआ है पैसेज में, किधर दिया है, इधर दिया है। देखो सबसे पहले तो द वेरी फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, या वहां भी छोड़ो सिर्फ ये लाइन देख लो, यहां पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, स्टेट क्या करता है, एज्यूम कर लेता है कि एक वॉयलेंस जो किसी सब नेशनल ग्रुप ने किया उसको स्टेट इलीगल मान लेता है, टेररिज्म मान लेता है। सब नेशनल ग्रुप उसी नेशन का होगा, लेकिन उस नेशन का कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, मिलिटेंट ग्रुप हो सकता है जो कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी से खुश नहीं है। जैसे जब ब्रिटेन हम लोगों पर रूल करता था तो हम लोग भी ग्रुप्स बना के राइट ब्रिटेन के अगेंस्ट में जाते थे, तो ब्रिटेन हम लोगों को इलीगल बोलता था। एंड अगर आपने याद होगा क्लास 10 की हिस्ट्री में, चंद्रशेखर आजाद जैसे काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे कंट्री में हैं जिनको ब्रिटिश रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलती है, ब्रिटिश के रिकॉर्ड्स में वो टेररिस्ट रिकॉर्ड है एंड हमारे रिकॉर्ड्स में वो फ्रीडम फाइटर। सेम सीन यहाँ पे लिखा है, तो लिखा हुआ है, इसका सबूत मिला ऐसा। अब समझ में आया, सबूत है सी का एंड बाकी किसी भी ऑप्शन का सबूत नहीं था। मेरा रैंक एक पोजीशन से अप हुआ, हाँ सीरियसली क्या रैंक चल रहा है मेरा, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया राजीव। अरे वो रैंक वैंक मैं नहीं देखती, वो रोज ऊपर नीचे होता रहता है। क्या रैंक चल रहा है मेरा, 8 ना, गॉट इट है, चलो जो भी चल रहा है वो मैं देख लूंगी, चेक लूंगी, है 7 हो गया, अरे वाह, ओके चलो जो भी है इट्स ओके। रोज ऊपर नीचे होता है, ओके चलो फिर हो गया क्लास एंड, एंड अब मिलते हैं टुमारो एंड वो ब्लैक वाली पीडीएफ खत्म करेंगे, टोन्स भी देखेंगे एंड मजे करेंगे, ठीक। लेट्स मीट वंस अगेन एट द टुमारोज पार्टी, आज के लिए पार्टी में सारा खाना पीना खत्म, पैसा हजम। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे टाटा। कैन यू टेल मी एग्जैक्ट टाइमिंग व्हेन यू आर ऑनलाइन, एवरी डे 4 PM, 4 PM एवरी डे, दिस इज फॉर माई स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लासेस रोज डिपेंड करता है, रोज अलग अलग, सो इसीलिए स्पेशल क्लासेस का ले लो, प्लस का कल नहीं है सो कल भी हम लोग सिर्फ फोर। अच्छा कोई और स्पेशल क्लास, मेरा किसी एक दिन मुझे दो स्पेशल क्लास लेना है, कोई एक और टॉपिक बताओ ऑफ टॉपिक जो कैट से रिलेटेड ना हो, चलो छोड़ो वो मैं कल कल रखेंगे, आज तो सारे लोग चले गए, आज हम लोग दो चार लोग ही हैं। हैव अ नाइस डे, चलो फिर टाटा बाय बाय। वाइवा, ए वाइवा क्या होता है, वाइवा ऑन इंग्लिश दैट इज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर, उसमें मैं क्या बोलूंगी। सीआर क्रिटिकल रीजनिंग रखें, क्रिटिकल रीजनिंग फैलेसी नहीं रखेंगे इस बार नॉर्मल क्रिटिकल रीजनिंग रखेंगे। सीआर फिर से स्टार्टिंग, ओके चलो देखते हैं। वीडियो लेसन आफ्टर एमसीक्यू, ओके।
वाई नॉट, चलो बाद में सोचते हैं, ठीक है? ग्रुप में अगर आप हो तो राजी आ जाना, बाद में सोचते हैं, ठीक है? फॉर नाउ लेट्स एंड द सेशन हियर, ठीक? चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब तो मेरे को क्विज बनाना है 9:30 के लिए, क्विज है ना आज यूट्यूब में, उसके लिए, ठीक है? चलो बाय बाय, थैंक यू।